जय हिंद प्यारे दोस्तों। अगर दोस्तों आप दिल्ली में पक्की सरकारी नौकरी सर्च कर रहे हैं और आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट लेवल हैं, तो आपके लिए दोस्तों बड़ी जबरदस्त रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। 10 टाइप की अलग अलग पोस्ट आउट हुई है, जिसमें 10वीं पास के लिए भी है, 12वीं पास के लिए भी है, ग्रेजुएट लेवल के लिए भी और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए भी है। तो दिल्ली में नौकरी निकल चुकी है। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, जितनी बातें एडवर्टाइज बताई गई सारी अपनी वीडियो में कवर करेंगे। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन सी पोस्ट आउट हुई है। पहली पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, दूसरी है सीनियर पीए टू प्रिंसिपल, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट। ये कुछ पोस्ट आउट हुई है दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों 10वीं से लेके और पोस्ट ग्रेजुएट तक सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। तो समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, 10वीं पास कैंडिडेट के सबसे पहले बात करेंगे कि वो कौन कौन सी पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। पहली पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, लाइब्रेरी असिस्टेंट। इसमें बेसिकली दोस्तों 30 साल ज्यादा एज होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 1 की सैलरी मिलेगी, जो लगते ही 20 से 25000 के बीच आपकी सैलरी बनेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास के साथ साथ इसमें सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। अब सपोज कीजिए आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ आपने 10th पास की है तो आपके लिए अलग पोस्ट है दोस्तों, जो कि पोस्ट का नाम है लैब अटेंडेंट। इसमें बेसिकली दोस्तों 30 साल ज्यादा एज होनी चाहिए, यानी कि 30 साल के अंतर्गत आपकी एज है, आप एलिजिबल रहेंगे। उसके साथ साथ लेवल 1 के सैलरी मिलेगी और 10th पास सिंपल चाहिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, जब आपने 10th पास की थी तो उसमें साइंस के सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए 10th में दोस्तों, 12th में एक बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 10th में बात कर रहा हूं, और उसमें आप पास होने चाहिए तो आप एलिजिबल रहेंगे। अगली पोस्ट की बात करते दोस्तों, अगर आप 12th पास हैं तो कौन सी पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं? तो 27 साल ज्यादा एज होनी चाहिए, लेवल 2 के सैलरी मिलेगी और 12वीं पास इसमें होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट जो पोस्ट है इसमें बेसिकली टाइपिंग का भी वर्क होता है, तो आपकी टाइपिंग की स्पीड भी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट की, और अगर आप हिंदी में करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। अगली पोस्ट की बात करते हैं, अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो कौन सी पोस्ट अप्लाई करेंगे? तो सीनियर असिस्टेंट पोस्ट का नाम है, किसी भी फील्ड से आपने एनी डिसिप्लिन ग्रेजुएशन की हुई है, 30 साल ज्यादा एज होनी चाहिए, लेवल 6 के लिए सैलरी मिलेगी, जो लगते ही दोस्तों आपकी 45 से 50 हजार सैलरी बनेगी। तो ये कुछ पोस्ट है दोस्तों, अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, सपोज करो आपने बीलिप या एमलिप किया हुआ है या कंप्यूटर में बी या बीटेक किया हुआ है, तो उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एडवर्टाइजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आप इसको गो थ्रू जरूर कर लेना फॉर फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहां रहने वाली है। बच्चे इसमें ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो बेसिकली दोस्तों इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहने वाली है, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अलीपुर, दिल्ली 110036। दोस्तों यहां पे आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी, क्योंकि जो पोस्ट है ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेज में, श्रद्धानंद कॉलेज में निकली गई है। तो इसके साथ साथ दोस्तों बता दूं, जब आप अप्लाई करते हैं तो कितने रुपए चार्जेस देने होते हैं? तो जनरल और ओबीसी वालों को 500 रुपए देने होते हैं, एससी एसटी कैंडिडेट को 250 रुपए देने होते हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट के लिए फीस एग्जेम्प्टेड है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा दोस्तों ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आप वहां पर जाओ, इसको अप्लाई करो। और जब आप अप्लाई कर देते हो तो उसका प्रिंट आउट आपको अपने पास रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए, प्रिंट आउट जरूर लेना है दोस्तों, ये ध्यान से समझना। अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए दोस्तों लास्ट डेट की बात करें तो 20 मार्च 2022 से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।